नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का त्योहार 1 नवंबर को रखा जाएगा, मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं पति की समृद्धि, सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम के वक्त चांद दिखने पर जल को अर्पित करके महिलाएं अपने पति के हाथों से अपना निर्जला व्रत खोलती हैं। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही है, पति के साथ मन मुटाव होता रहता है या फिर धन की हानि हो रही है, तो कुछ करवा चौथ के दिन उपाय कर सकते हैं। इन्हें करने से आपको लाभ मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के दिन करवा चौथ के दिन घर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को एक लाल कपड़े में 5 हल्दी की गांठ रखकर भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे भगवान गणेश की कृपा मिलती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। करवा चौथ के दिन बेसन के 5 लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच उछल रहा मन मुटाव खत्म होता है। अगर कर्ज से परेशान है तो करवा चौथ के दिन गणपति जी को घी और गुड़ के भोग लगाने से फायदा होता है। इस दौरान अपनी समस्या को सच्चे दिल से गणेश जी को बताएं, बाद में गुड़ से किसी गाय को खिला दें। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को दुर्वा के साथ 21 गुड़ वाली की गोलियां बनाकर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ऐसे में पति के हाथों से मांग में सिंदूर भरवाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।